5 अप्रैल 2024 को कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया। मैनिफेस्टो के कवर पेज पर आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे दिखेंगे, पर उनके साथ में आपको एक ऐसे व्यक्ति दिखेंगे जो ऑफिस बेरर नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, हमारे देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी। कौन है व्यक्ति? राहुल गांधी। अगर आप कांग्रेस की वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑफिस बेरर्स के पेज में ना जनरल सेक्रेटरीज की लिस्ट, ना सेक्रेटरीज की लिस्ट और ना जॉइंट सेक्रेटरीज की लिस्ट में आपको राहुल गांधी का नाम दिखेगा, पर उनका नाम आपको दिखेगा कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में, जो कांग्रेस पार्टी की सबसे जरूरी कमेटी है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि उनका चेहरा आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी दिखेगा। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राहुल गांधी के साथ कि वो पार्टी के लीडर और चेहरे जरूर हैं पर ऑफिस बेरर नहीं है, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये खेल वो कई समय से खेल रहे हैं। 2007 में वो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के चेयर बने, उसी साल वो इंडियन यूथ कांग्रेस के चेयर बने, फिर अगले 6 सालों के दौरान वो जनरल सेक्रेटरी बने, उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट और फिर वो प्रेसिडेंट। तो उन्होंने जिम्मेदारियां कई उठाई हैं पर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत कम बार। 2019 के इलेक्शंस हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर दिया। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो अब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं और कहा कि मैं जिम्मेदार हूँ इन इलेक्शंस की हार के लिए। पार्टी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, पर ये अकाउंटेबिलिटी हमें आगे इतनी देखने को नहीं मिली। कई लोग खुश थे इस रेजिग्नेशन से कि फाइनली कांग्रेस पार्टी में बदलाव आएगा, पर राहुल गांधी अभी भी कांग्रेस पार्टी के चेहरे बने रहे। ये हमें देखने को मिला भारत जोड़ो यात्रा में, इसके बाद कई लोग मानने लग गए कि अब फाइनली राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन बन गए। प्रहलाद कक्कड़, जो एक बहुत पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट प्रोफेशनल है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दाढ़ी की वजह से वो अब सीरियस दिखने लगे हैं, वो फाइनली अब एक आदमी बन गए। वो ना इंदिरा गांधी के पोते हैं ना राजीव गांधी के बेटे, अब वो राहुल गांधी है। लेकिन अचानक भारत जोड़ो यात्रा से मानो पब्लिक में भी उनका पुनर्जन्म हुआ। राहुल गांधी ने खुद कहा कि वो एक तपस्या कर रहे हैं अपने आप में बदलाव लाने के लिए। I believe in tapasya. That is my nature. That is my family's nature has always been. अब चाहे उनकी दाढ़ी बदल गई हो, पर हमें ये बदलाव उनके परफॉर्मेंस में नहीं दिखा है, चाहे उनकी फॉरेन ट्रिप्स हो या फिर उनकी ढीली स्पीचेस। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। इसमें से एक को तो मैंने भी सुना था स्टैनफोर्ड में, उनका अपने लीडर्स को अपनी पार्टी में रखने का फेलियर या फिर उनका बुरा ट्रैक रिकॉर्ड, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अभी भी वो एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन पाए। राहुल गांधी कहते हैं कि वो बीजेपी और उनकी आइडियोलॉजी को हराना चाहते हैं, पर वो इलेक्शंस कहाँ से लड़ रहे हैं? केरला के वायनाड से, वो भी सीपीआई लीडर एनी राजा के खिलाफ, जिन्होंने खुद कई समय से बीजेपी की पॉलिटिक्स का विरोध किया है और उन्होंने मणिपुर में वायलेंस को भी स्टेट स्पॉन्सर्ड बुलाया। आप बीजेपी सरकार से लड़ना चाहते हो पर इलेक्शन में एक बीजेपी लीडर के सामने खड़े भी नहीं हो रहे, और जब आपसे जर्नलिस्ट कोई सवाल करे तो आप बोलते हो कि ये तो बीजेपी क्वेश्चन है। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बायनाड चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये, ये, ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये कंफ्यूजन आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी देख सकते हो। मैनिफेस्टो के 2 पेजेस महिलाओं पर डेडिकेटेड है, पर गेस कीजिए कि जम्मू की उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस ने किस कैंडिडेट को फील्ड किया है? चौधरी लाल सिंह, वही आदमी जिसने 2018 में कई स्पीचेस दी थी कठुआ गैंग रेप और मर्डर अक्यूज के सपोर्ट में। जब तक सीबीआई इंक्वायरी होगी जंग बढ़ेगी और आगे चलेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम्स आपको समझ आ जाएंगी जब आप एक बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर नजर डालोगे, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बारे में मानो बात ही नहीं हो रही है, और यही मैं चेंज करना चाहता हूँ इस वीडियो में। यह है कांग्रेस का मैनिफेस्टो और मेरी 2 बड़ी प्रॉब्लम्स है इस डॉक्यूमेंट से। मेरे साथ बने रहो, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। जब आप पहली बार इस डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तो आपको कुछ अजीब नहीं दिखेगा। हर मैनिफेस्टो की तरह लिखा तो बहुत कुछ गया है पर डिटेल्स नहीं है। जैसे एजुकेशन के बारे में लिखा गया कि एनुअल सर्वेज ने दिखाया है कि हमारी स्कूल एजुकेशन में बहुत कमी है, हम अर्जेंट मेजर्स देंगे इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए 5 सालों के अंदर। कैसे करेंगे इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। यही प्रॉब्लम बीजेपी के मैनिफेस्टो के साथ भी है। जैसे जॉब्स में बीजेपी ने कहा है कि हम भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम Tier 2 और Tier 3 शहरों में भी लेकर आएंगे। कैसे? भगवान जाने। अब आइडियली किसी भी मैनिफेस्टो में एक डिटेल लिस्ट होनी चाहिए प्रोमिसेस की, पर दोनों कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो में कोई डिटेल ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वोटर तो मैनिफेस्टो पढ़ता ही नहीं है। अगर हमने डिटेल डाल दी
तो पावर में आने के बाद हमें वो एक्चुअली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इससे अच्छा कोई वादा ही मत करो। पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स है किस चीज की। जो मैनिफेस्टो में दिख रहा है वो है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स। सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी हुई है 1998 से, जब से सोनिया गांधी पार्टी की प्रेसिडेंट बनी। और 7 साल बाद 2005 में यूपीए सरकार ने मनरेगा स्कीम भी लॉन्च करी, जो रूरल लोगों को 100 दिन की गारंटी देती है काम की। सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह कि अगर आप कोई पॉलिसी अपना रहे हो तो उसके बारे में एनालिसिस तो करो ढंग से। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कई इकोनॉमिक प्रॉमिसेस करे अपने मैनिफेस्टो में, पर हम उनकी दो मेन प्रॉमिसेस पर फोकस करेंगे। पहली है महालक्ष्मी स्कीम, जहां उन्होंने वादा किया कि वो इंडिया के हर गरीब परिवार को हर साल के लिए 1,00,000 रुपए देगी एज एन अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। दूसरा प्रॉमिस है राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट, जिसके तहत वो हर डिप्लोमा और कॉलेज ग्रेजुएट को जो 25 साल की कम की उम्र के हैं, उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप करवाएंगी, जिसके लिए उनको साल के 1,00,000 रुपए मिलेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये प्रोमिसेस इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते। प्रोमिसेस ऐसे दे रहे हैं जो इम्प्लीमेंट करने में बजट में तो इतना घाटा होगा, पैसा बचेगा ही नहीं। अब वो तो बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर है ना, तो ऑब्वियसली वो इसके खिलाफ जाएंगी। तो हम कांग्रेस पार्टी के लीडर से पूछ लेते हैं, उन्होंने तो डिटेल कैलकुलेशन करी होगी। नहीं, प्रवीण चक्रवर्ती जो कांग्रेस की डेटा एनालिटिक्स के हेड है और जिन्होंने इस मैनिफेस्टो को डिजाइन करने में मदद करी है, वो इस चीज का जवाब ही नहीं दे पाए। I think the costs are not as important as the deficit. I think I would say the costs are very important because people need to know how much the big deficit will cost and at what sacrifice to other things it will happen. जब कांग्रेस लीडर अमिताभ दुबे से ही पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला, आप देखो। हमारे अनुमान से मान लो 10,00,000 लोग ले लेंगे, ये एक रफ एस्टिमेट हो सकता है, लेकिन ये मेरा एस्टिमेट है, ये पार्टी का एस्टिमेट नहीं है। मैं आपको बस समझाने के तौर पे ठीक बता रहा हूँ। तो 10,00,000 लोग अगर हैं और उनको अगर 1,00,000 दिया जा रहा है, 1,10,000,000, कैन यू काउंट, सॉरी मेरी मैथ बहुत ही पुअर है। अच्छा, ये कितने कितने करोड़ हो गया, 1,000,000 करोड़ या 10,000 करोड़? सो उतना बड़ा नंबर नहीं है शायद। तो या तो देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी पब्लिक को बता नहीं रही कि उनके प्रॉमिसेस की कॉस्ट क्या होगी, या फिर उन्होंने खुद कैलकुलेशन ही करी। अब इन दोनों चीजों में से ज्यादा डेंजरस क्या है, ये आप डिसाइड करो। ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि एक देश की फिस्कल हेल्थ बहुत जरूरी होती है। पूछना है तो पंजाब सरकार से पूछ लो, जिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था। पंजाब की बुरी फिस्कल पोजीशन की वजह से जब उन्होंने कई सालों के दौरान पावर सब्सिडीज में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं किया, उसकी वजह से अब उधर की सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही। जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट पवन मुंजाल, जो हीरो ग्रुप के चेयरमैन है, उन्होंने कहा इसी वजह से वो पंजाब से उत्तर प्रदेश जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत बुरा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। अब ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार सब्सिडीज नहीं देती, चाहे आप चाहो या फिर ना चाहो, हमारे देश की सारी सरकारें सोशलिस्ट ही हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उनको सरकार में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ये हमारे देश के लिए जरूरी भी है, क्योंकि हमारे देश में इतनी गरीबी है। और जो लोग कहते हैं ये सरकार अमीरों के लिए है, मुझे खुशी है कि मेरे देश के 10 करोड़ अमीरों के लिए मैंने शौचालय बनाया। बट बीजेपी गवर्नमेंट हैज 99 प्रॉब्लम्स, जिनके बारे में मैंने रिसेंटली बात भी करी है, बट फिस्कल पोजीशन इज नॉट वन। इनफैक्ट बीजेपी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिस तरह से उन्होंने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैनेज किया है। IMF ने भी इंडियन सरकार की इधर प्रशंसा करी है, और अच्छी बात है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी स्टेबल फाइनेंशियल मैक्रो पोजीशन की बात करी है। पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उनके प्रोमिसेस की क्या कॉस्ट होगी और वो पैसा आएगा कैसे। अभी इंडिया का फिस्कल डेफिसिट अराउंड 5.1% है GDP का। डॉक्टर औरदीप नंदी, जो नोमीरा बैंक में इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये फिस्कल डेफिसिट कांग्रेस के प्रोमिसेस से 7 या फिर 9% भी हो सकता है, अनलेस कांग्रेस पार्टी हमें ये बताए कि वो रेवेन्यू कहाँ से बढ़ाएंगी या फिर एक्सपेंडिचर दूसरी चीज़ों से कहाँ से कम करेंगी। पर ये डिटेल्स हमें दी नहीं गई हैं। कैन यू काउंट, सॉरी मेरी मैथ बहुत ही पुअर। अच्छा, ये कितने कितने करोड़ हो गया, 1,00,000 करोड़ या 10,000 करोड़? ये कंफ्यूजन हमें कास्ट सेंसस की डिमांड में भी दिखता है, जिसके बारे में राहुल गांधी बात करते हुए आए हैं। यूनानिमसली द वर्किंग कमेटी हैज सपोर्टेड द आईडिया ऑफ ए कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस। प्रशांत किशोर जरूर मानते हैं कि इस कास्ट सेंसस से कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस लीडरशिप इज कंप्लीटली आई वुड से इल एडवाइज्ड बाय मेकिंग दिस एज अ सेंट्रल इशू। पर राहुल गांधी क्यों इतनी स्पीचेस करे जा रहे हैं जहां वो इस कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ।
जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी 1951 में एक कास्ट सेंसस करवाना चाहती थी, पर उन्होंने कहा कि हम कास्ट डेटा बस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज का ही कलेक्ट करेंगे, दूसरी कास्ट और कम्युनिटीज का नहीं कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो मानते थे अगर वो सबका कास्ट डेटा कलेक्ट करेंगे तो उससे कास्ट सिस्टम उल्टा खत्म नहीं होगा। इसी वजह से 1951 और 2011 के बीच हर 10 साल बाद जो भी सेंसस हुआ उधर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कास्ट डेटा तो पब्लिश हुआ पर दूसरी कम्युनिटीज का नहीं। तो अभी हम हमारे देश की हर कास्ट की सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग नहीं जानते। यूपीए सरकार ने इस चीज को चेंज करने की कोशिश करी थी 2011 में, जब उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस करवाया। 2015 में बीजेपी सरकार ने इस सर्वे के रिजल्ट्स पब्लिश करे, पर इन रिजल्ट्स में एक चीज मिसिंग थी, कास्ट डेटा। मोदी सरकार जातिगत जनगणना जारी नहीं करेगी, हालांकि सरकार के पास जाति के आधार पर जनगणना के आंकड़े हैं। इनफैक्ट जब अरुण जेटली इस रिपोर्ट को रिलीज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के नाम में तो कास्ट लिखा है पर हमारे डेटा में कास्ट नहीं है। 2015 में लालू प्रसाद यादव तो एक भूख हड़ताल में चले गए इस कास्ट डेटा की मांग करने के लिए, पर सरकार ने ये डेटा रिलीज करने से मना कर दिया। 6 साल बाद 2021 में बीजेपी सरकार ने कहा कि हम ये डेटा रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे एरर्स हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कास्ट जो हमारे देश में पाई गई है वो बहुत ज्यादा है। जैसे 1931 के कास्ट सेंसस डेटा ने दिखाया था कि हमारे देश में करीब 4000 कास्ट हैं, पर गेस करो कि 2011 के सर्वे ने कितनी कास्ट दिखाई, 46 लाख कास्ट। इस डेटा के हिसाब से 99% कास्ट में तो 100 से कम लोग थे। तो ऑपोजिशन पार्टीज ने आर्ग्यू किया कि अच्छा इस डेटा में प्रॉब्लम है तो आप एक नया कास्ट सेंसस करवा लो, उसमें क्या दिक्कत है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस कास्ट सेंसस की मांग कर रही है एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से, क्योंकि उनका सपोर्ट ओबीसी ग्रुप से बहुत कम हो गया है। 2014-2019 के बीच बीजेपी का वोट शेयर ओबीसीज में 34% से 44% तक बढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का मानना है कि कास्ट सेंसस करवाने से उनको उन ओबीसी कम्युनिटीज का सपोर्ट मिलेगा जिनको रिजर्वेशन लीगली मिलनी चाहिए पर मिल नहीं रही है। ये कास्ट कम्युनिटीज हुई नॉन डोमिनेंट कास्ट, क्योंकि माना जाता है कि ओबीसी कम्युनिटी में मेनली यादव डोमिनेट कर रहे हैं और उनको सबसे ज्यादा रिजर्वेशन मिल रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल मांग कर रहे हैं, बल्कि वो कहते कुछ है पर करते कुछ है। 2018 और 23 के बीच राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 5 सालों के लिए, पर इलेक्शन से बस 1 महीने पहले उन्होंने कास्ट सेंसस अनाउंस किया। अर्जुन डेथा जो एक ट्रेड यूनियन लीडर है राजस्थान में, उन्होंने कहा कि अगस्त 2021 को हमने चीफ मिनिस्टर से मांग करी थी कास्ट सर्वे की, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। नवंबर 2023 के स्टेट इलेक्शन से पहले राहुल गांधी कैंपेनिंग के दौरान बोल रहे थे कि अगर वो इलेक्शन जीते तो वो कास्ट सेंसस करवाएंगे, पर वो इलेक्शंस हार गए बीजेपी से और कोई कास्ट सेंसस हुआ नहीं। यही हालत कर्नाटका में भी है। 2014 में कांग्रेस सरकार ने 170 करोड़ रुपए खर्च करके एक कास्ट सर्वे करवाया, पर 2023 में कर्नाटका में सरकार बनाने के बावजूद कांग्रेस की सरकार ने ये डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया है, क्योंकि उनको डर है लिंगायत और वो कलिगा कम्युनिटीज से। 2018 में ये रिपोर्ट लीक हो गई थी और पता चला कि लिंगायत्स का पॉपुलेशन रेशियो बस 14% है, जबकि माना जाता है कि वो 17% है, और वोकल लिगर्स का 11% है, जबकि माना जाता था कि वो 14% है। इन दोनों कम्युनिटीज के पास बहुत पावर है कर्नाटका में, और ये दोनों कम्युनिटीज कह रही हैं कि हमारी स्टेट में हमारी पॉपुलेशन कम नहीं हो सकती। इस डर की वजह से कांग्रेस सरकार ने ये डेटा रिलीज ही नहीं किया। तो अगर आपके लिए कास्ट सेंसस इतना जरूरी है तो आप कांग्रेस सरकार को क्यों नहीं बोलते कर्नाटका में कि वो ये डेटा रिलीज करे। बस तेलंगाना में ही कांग्रेस सरकार ने कास्ट सेंसस को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करी है, पर ये सर्वे होगा या फिर नहीं होगा, और होगा भी तो डेटा रिलीज होगा या नहीं ये मैं कह नहीं सकता। जबकि आप नीतीश कुमार को देखो, वो भी कई समय से सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्योंकि वो भी नॉन डोमिनेंट ओबीसी ग्रुप्स का सपोर्ट चाहते हैं। पर जहाँ कांग्रेस पार्टी बस बातें कर रही थी, बिहार में नीतीश कुमार ने सर्वे करवाया भी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ाए सर्वे करवाने के लिए, बीजेपी के बिहार यूनिट को उन्होंने कन्विंस भी कर दिया, और फिर 2022 में स्टेट का 500 करोड़ रुपए खर्च किया ये सर्वे करवाने के लिए और रिजल्ट्स भी रिलीज करे। मेरी प्रॉब्लम कास्ट सेंसस से नहीं है, मैं मानता हूँ कि जब तक हमें अच्छा सोशियो इकोनॉमिक डेटा मिलेगा नहीं तो हम अच्छी पॉलिसी कैसे बनाएंगे। मेरी प्रॉब्लम है कि सेंसस के बाद क्या होगा जो राहुल गांधी ने प्रपोज किया है। अपने मैनिफेस्टो रिलीज करने के बाद 7 अप्रैल 2024 को राहुल गांधी हैदराबाद गए थे कैंपेनिंग के लिए, जहां उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले वो कास्ट सेंसस करवाएंगे, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को,
माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इस कास्ट सेंसस के बाद दूसरा स्टेप होगा ये पता लगाना कि किस कम्युनिटी के पास कितना पैसा है। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और फाइनली वो हर कम्युनिटी को उनका हक देंगे। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। अब कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि इस स्पीच में राहुल गांधी ने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की मांग करी, यानी कि उन्होंने कहा कि वो उन कम्युनिटी से पैसा लेंगे जिनके पास बहुत पैसा है और उन कम्युनिटीज को देंगे जिनके पास इतना पैसा नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए मैंने उनकी स्पीच देखी, पर वो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की मांग कर रहे थे या फिर नहीं। आप खुद देखो, जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। अब वो ये जरूर बोलते कि ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे, जो एक दूसरी प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। पर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की चीज मुझे क्लियरली इधर दिखी नहीं। ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात उनके ऑफिशियल मैनिफेस्टो में भी नहीं थी, पर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी मांग नहीं है। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए फिर मैंने कांग्रेस के डिबेट्स देखे। न्यूज 18 के डिबेट में कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ने सवाल को ढंग से आंसर ही नहीं किया और उन्होंने क्लियरली ये नहीं बोला कि ये क्या कांग्रेस की फॉर्मल पॉलिसी है या फिर नहीं। न्यूज एक्स के डिबेट में भी सेम ही कंफ्यूजन था, जब कांग्रेस स्पोक्सपर्सन कंफर्म ही नहीं कर पाए कि ये ऑफिशियल पॉलिसी है पार्टी की या फिर नहीं। अब क्योंकि चलो मैनिफेस्टो में क्लियरली नहीं लिखा है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो कांग्रेस पार्टी को हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं। पर एक बात क्लियर हो गई थी राहुल गांधी की स्पीच से, वो थी प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन। और ये कोई नई डिमांड भी नहीं है, अगर आप 2014 का मैनिफेस्टो देखोगे कांग्रेस का, उधर भी प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन की बात करी गई है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में थी, तेलंगाना में और कर्नाटका में, उन सभी ने प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन की मांग करी है। इसके अलावा अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन लेकर आएंगे, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाएंगे एससी एसटी और ओबीसी के लिए, और सभी कम्युनिटीज के लिए 10% रिजर्वेशन देंगे ईडब्ल्यूएस, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। अब कांग्रेस पार्टी कोई अकेली पार्टी नहीं इस रिजर्वेशन की रेस में, हरियाणा में बीजेपी सरकार लोकल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाना चाहती थी पर हाईकोर्ट ने मना कर दिया। और अगर हम रिजर्वेशन कोटा 50% से ज्यादा बढ़ाने की बात करें, तमिलनाडु में वो कोटा 69% है कई सालों से, महाराष्ट्र में ये नंबर 62% होने वाला है। पर मेरी दो प्रॉब्लम्स है कि राहुल गांधी ने इतना ज्यादा फोकस दिया है कास्ट सेंसस और रिजर्वेशंस पर अपनी कैंपेनिंग के दौरान, क्योंकि रिजर्वेशंस हमारे देश की ना बड़ी प्रॉब्लम है और ना बड़ा सोल्यूशन। कई लोग मानते हैं कि रिजर्वेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में और उनकी वजह से ही हमारा नौजवान अमेरिका और यूरोप जा रहा है उधर पढ़ाई और जॉब की तलाश में। दूसरे लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन बहुत बड़ा सोल्यूशन है, अगर रिजर्वेशन बढ़ जाएगी तो हमारी कम्युनिटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर ये दोनों लोग बिल्कुल गलत है। जैसे फरवरी 2016 में हरियाणा की जाट कम्युनिटी सरकारी जॉब्स में रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग कर रही थी, झज्जर शहर के चावनी मोहल्ला में बहुत बुरा वायलेंस देखने को मिला। उधर एक बुजुर्ग महिला कृष्णा देवी चौहान ने कहा कि जो मैंने देखा वो 1947 के दंगों से भी भयानक था। इस वायलेंस के बाद हरियाणा सरकार ने रिजर्वेशन बढ़ा दी थी जाट्स और दूसरी कास्ट कम्युनिटीज को, पर इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी हरियाणा की? 2001 में हरियाणा सरकार ने करीब 3,19,000 नौकरियां दी थी, गेस करो कि 2014 में क्या नंबर था? 3,40,000, यानी कि 13 सालों के दौरान नौकरियां 0.51% से बढ़ रही हैं। अब अगर ग्रोथ रेट 0.51% है तो आप रिजर्वेशन 50% कर दो या 100%, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यही चीज हम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देख सकते हैं। 2006 में 16 लाख लोगों को परमानेंट सरकारी नौकरियां मिली थी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, यानी कि सरकारी कंपनी जैसे कोल इंडिया, पर इस 16 लाख नंबर में तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी इंक्लूडेड नहीं है। अब 2021 का नंबर जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी इंक्लूडेड है वह है 14.6 लाख, यानी कि 15 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट कम लोगों को हायर कर रही है। अगर आपकी प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन है तो रिजर्वेशन की लड़ाई करो, पर अगर आपकी प्रॉब्लम नौकरियां और कॉलेजेस हैं तो रिजर्वेशन 0% हो या फिर 100%, उससे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश में इनफ नौकरियां और क्वालिटी कॉलेजेस ही नहीं है। अगर IITs में 100% रिजर्वेशन भी कर दी तो 43,000 लोगों को तो एडमिशन मिल जाएगा, पर बचे हुए 10.5 लाख का क्या जो JEE देते हैं? इंडिया की लेबर फोर्स 50 करोड़ लोगों की है। कितना भी डिबेट कर लो कि 15 लाख सरकारी नौकरी किसको कितनी मिलनी चाहिए, पर उससे 50 करोड़ लोगों की भूख नहीं मिटने वाली। एक सरकार की जिम्मेदारी होती है एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना
जिससे प्राइवेट सेक्टर नौकरियां बनाए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन यह है कि सरकार आपको डायरेक्टली नौकरी देगी और अगर सरकार नहीं कर पाती ऐसा तो उसमें सरकार की गलती नहीं है बल्कि आपकी गलती है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी। और राहुल गांधी ये जानते हैं पर फिर भी वो रिजर्वेशंस को यूज कर रहे हैं एज अ लॉलीपॉप ताकि उनको नौजवान से वोट्स मिले। मेरी दूसरी प्रॉब्लम कांग्रेस के मैनिफेस्टो से है कि जब रिजर्वेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फोकस बन जाता है तो उसकी वजह से हमारे देश में जीरो सम गेम क्रिएट हो जाती है। जीरो सम गेम एक सिचुएशन है इकोनॉमिक्स में जहाँ एक कम्युनिटी का फायदा तभी होगा जब दूसरी कम्युनिटी का नुकसान होगा। और रिजर्वेशन की रेस एक जीरो सम गेम है जहाँ ये माना जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज फिक्स्ड है और इन रिसोर्सेज को हम बस शिफ्ट ही कर सकते हैं एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी तक। पर रियलिटी में इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है एक देश की वो जीरो सम गेम नहीं है, क्योंकि पैसा और नौकरियां कोई फिक्स एसेट नहीं है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी के जरिए इन चीजों को बढ़ाया जा सकता है। तो इस पर फोकस करने की बजाय कि हम एग्जिस्टिंग पैसे और नौकरियों को डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच कैसे बांटेंगे, कांग्रेस पार्टी को फोकस करना चाहिए कि हम एग्जिस्टिंग नौकरियों और पैसे को कैसे बढ़ाएंगे जिससे सबको फायदा मिले और स्पेशली हमारे समाज के गरीब सेक्शंस को। हमारे देश में कोई भी रीजनेबल आदमी ये नहीं कहेगा कि हमारी सरकार को ज्यादा फोकस डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पर नहीं डालना चाहिए। मैंने रिसेंटली वीडियो में बात भी करी थी कि अगर आप बस 25,000 रुपए कमा रहे महीने के तो आप देश के टॉप 10% में आ सकते हैं। हमारे देश के गरीब का भला होना चाहिए पर उस चीज के लिए बस हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस नहीं बल्कि ग्रोथ पर भी फोकस करना चाहिए। तो राहुल गांधी की पॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है जो नेहरू गांधी परिवार में शायद ही किसी की थी। पॉलिटिकल दिक्कतों के बावजूद उनकी दादी इंदिरा गांधी की एक बहुत अच्छी पकड़ थी अपनी पार्टी पर, पर ये पकड़ इतनी आसानी से नहीं आई थी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इंदिरा गांधी की बायोग्राफी सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 15 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं जो हर महीने ग्रो कर रहे हैं और उनके पास 2400 घंटे से ज्यादा का कॉन्टेंट है अपने प्लेटफॉर्म पर। और आजकल के समय में जब हम सब लोग अपने स्क्रीन से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, कुकू एफएम हमें एक अल्टरनेटिव देता है। हम में से कई लोग डूम स्क्रोलिंग से तंग आ गए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो या फिर फेसबुक पर हो, पर डूम स्क्रोलिंग से कोई मदद नहीं मिलती आपको। उसकी वजह आप कुकू एफएम का 7-day ट्रायल यूज कर सकते हो जहाँ आप सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल और फाइनेंस ऑडियो बुक सुन सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। इन 7 दिन के दौरान आप कुकू एफएम के 5,000 से ज्यादा ऑडियो शोज भी देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप कुकू एफएम को कभी भी सुन सकते हो, चाहे आप वॉक ले जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो या फिर मेट्रो में कम्यूट कर रहे हो। कोई भी जॉनर जो आपको पसंद है आप उसकी ऑडियो बुक सुन सकते हो। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस ऑफर के बारे में बताओ। बस याद रखना कि 7 दिन के बाद उनकी सब्सक्रिप्शन फी कटेगी। अब आते हैं वीडियो पर वापस। स्टार्टअप की दुनिया में एक बहुत फेमस कहावत है, आइडियाज आर चीप, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। आइडियाज आपको खुले बाजार में मिल जाएंगे पर बहुत कम लोग मिलेंगे जो उन आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यही चीज हम राहुल गांधी के गवर्नेंस रिकॉर्ड के बारे में भी बोल सकते हैं। अब उन्होंने कभी सरकार में कोई पोजीशन नहीं ली। इनफैक्ट शर्मिष्ठा मुखर्जी जो प्रणब मुखर्जी की बेटी है, उन्होंने अपनी किताब में बताया कि प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी को बोला था कि वो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में शामिल हो ताकि उनको एक्सपीरियंस मिले। 2009 में मनमोहन सिंह ने उनको इन्वाइट किया कैबिनेट में और 3 साल बाद ये रिक्वेस्ट वापस दोहराई गई, पर दोनों टाइम राहुल गांधी ने बात मानी नहीं। अब क्योंकि राहुल गांधी ने सरकार में कोई पोजीशन नहीं ली तो हम उनके ट्रैक रिकॉर्ड को कैसे जज करें? हम उनके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं जब वो एमपी थे और जब वो एक पार्टी के मेंबर थे। 2004 और 14 के बीच राहुल गांधी 3 बार अमेठी से लोकसभा सीट जीते, तो 15 सालों के लिए राहुल गांधी अमेठी के एमपी थे। और अमेठी के लोगों का क्या कहना है उनके बारे में, वो कहते कि वो राहुल गांधी से बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही नाराज। इंडियन एक्सप्रेस को अमेठी के वोटर्स ने बताया कि मानो राहुल गांधी उनके बारे में भूल ही गए और उन्होंने उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ किया नहीं। एक वोटर ने कहा, राहुल या फिर कोई और लीडर बस अपनी नॉमिनेशन फाइल करके हमें भूल नहीं सकता, वो जमाना चले गया। यही सबक अमेठी की वोटर्स राहुल गांधी को सिखाना चाहते थे जब उन्होंने स्मृति ईरानी को अपना एमपी बनाया अमेठी में 2019 में। Union Minister Smriti Irani defeated Congress President Rahul Gandhi in his home turf Amethi with a lead of over 50,000 votes. करीब 5 साल पहले इन नतीजों के बाद पार्टी के वर्कर्स ने कहा था कि ये तो होना ही था। अमेठी के एक ट्रेडर हजमत अली ने कहा कि एक बेटा अपनी बस लेगेसी के चलते कितने इलेक्शन जीत पाएगा। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अमेठी से गुजर रही थी तो एक अमेठी के रेजिडेंट ने क्या बोला उनके बारे में, क्या आपको वो सीरियस लगते हैं? उन्होंने हमें छोड़ क्यों दिया? जब वो हमारे एमपी थे तब भी वो बहुत रेयरली इधर आते थे, वो दिल्ली से अपने दोस्तों को जरूर लाते थे पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। हसमत अली ने तो स्मृति ईरानी की तारीफ भी करी, उन्होंने कहा कि 2014 में इलेक्शंस हारने के बाद राहुल गांधी से वो अमेठी बार बार आई,
2019 की इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने के बाद तो वो उधर डेढ़ महीने तक रही, जहां वो कई गांव वालों से मिली। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पर भी नजर डालोगे तो अमेठी की सिचुएशन बहुत बदली नहीं है। 2016 के डेटा ने दिखाया कि अमेठी की पर कैपिटा नेट इनकम करीब 31,000 है, जो उत्तर प्रदेश की स्टेट एवरेज से कम है। ऐसी एनालिसिस बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी करी थी हमारे सेंसस के डेटा को यूज करके। उन्होंने देखा कि 13 में से 7 इंडिकेटर्स पर अमेठी का परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश की एवरेज से कम है। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया, सवाल यह है कि राहुल गांधी ने क्या किया है। संजय गांधी के पास अमेठी का जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट का आइडिया आया था, जिसको डेवलप किया था राजीव गांधी ने। और राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अमेठी में कई एग्रो इंडस्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर प्लांट्स और एक 1700 किलोमीटर की हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन भी बनाई। पर जितने भी ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स बना राजीव गांधी ने, जब तक सोनिया गांधी अमेठी की एमपी बनी, मानो ये सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद ही हो गए। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि ना वो दिल्ली में पावर में थी और ना लखनऊ में, इस वजह से वो ये फैक्ट्रीज चला ही नहीं पाई। 2004 में सोनिया गांधी ने अमेठी की सीट राहुल गांधी को दे दी और वो खुद रायबरेली से लड़ने लग गई। फिर सेंट्रल सरकार भी कांग्रेस की बन गई, जिसके बाद अमेठी के पुराने प्रोजेक्ट्स रीस्टार्ट करने की कोशिश करी गई। पर कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में सरकार थी या तो समाजवादी पार्टी की या फिर बहुजन समाज पार्टी की, जो ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं करना चाहती थी। अटके हुए प्रोजेक्ट्स की बहुत लंबी लिस्ट थी, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। 2007 से 12 के बीच राहुल गांधी ने वोटर्स को बोला कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि स्टेट में सरकार कांग्रेस की नहीं है। सुधीर पनवर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि गांधी ने जरूर बदलाव लाने की कोशिश करी अमेठी में, पर आज का नौजवान अपना वोट इतिहास की डेवलपमेंट पर नहीं देगा। और इसके पीछे एक मेजर कारण रहा है कि कितने डिस्कनेक्टेड रहे राहुल गांधी अपने वोटर्स से, और यही चीज अब हमें वायनाड में भी देखने को मिल रही है। पीपल ऑफ वायनाड हैपेंड अ मिस्टेक, ग्रेट मिस्टेक, दैट दे चूज़ श्री राहुल गांधी एज एन एमपी। सिरिल, जो वायनाड के एक वोटर है, उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान मानो हमारा कोई एमपी है ही नहीं, हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी एमपी के पास लेकर ही नहीं जा सकते। फिर हम देख सकते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी में। पॉलिटिकल साइंटिस्ट अजय के मेहरा ने कहा था कि 10 साल में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा पार्टी को बनाने का, वो मान लो ना के बराबर रहा। उनकी लीडरशिप में कांग्रेस 2019 के इलेक्शन तो हारी ही, वो अपनी अमेठी की सीट भी हार गए। जब किसी भी क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस बेकार होता है तो लोग बोलते कि कैप्टन को बदलो, पर कांग्रेस में लोग बोलते कि कैप्टन को रहने दो। 2019 के इलेक्शन के बाद जब राहुल गांधी ने रिजाइन करने की कोशिश करी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा कि हम इस रेजिग्नेशन को रिजेक्ट करते हैं, जबकि पता चला कि प्राइवेटली कई कांग्रेस लीडर्स इंटरव्यूज दे रहे थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी के नेगेटिव कैंपेन की वजह से ही वो ये इलेक्शंस हार गए। कैप्टेंसी की बात तो छोड़ो, कांग्रेस अपनी टीम भी एक साथ नहीं रख सकती। अगस्त 2020 को 23 बड़े कांग्रेस के लीडर्स ने एक लेटर लिखा कांग्रेस की हाई कमांड को कि पार्टी को बदलने की बहुत जरूरत है, पर उस लेटर का कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट मोस्ट वो लोग जिन्होंने वो लेटर साइन किया वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। अब राहुल गांधी ने रिजाइन जरूर किया और 24 साल के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहले नॉन गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, पर नए प्रेसिडेंट बनने के बावजूद पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह मानते हैं कि खड़गे जी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी चाहती है, और कांग्रेस अभी भी एक फैमिली रन बिजनेस ही है। कांग्रेस पार्टी ने 2022 में उदयपुर डिक्लेरेशन अडॉप्ट करी थी, जहां उन्होंने कहा था कि पार्टी सारी लेवल्स में 50% रिजर्वेशन उन लोगों को देगी जिनकी उम्र 50 साल से कम की है। पर जब 2023 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई तो 39 परमानेंट मेंबर्स में से बस 3 की उम्र 50 साल से कम की थी। डीके सिंह ने कहा कि अगर एक्चुअली कांग्रेस पार्टी उदयपुर डिक्लेरेशन अडॉप्ट कर ली थी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कई लोग आ रहे थे जो शायद गांधी परिवार को सपोर्ट नहीं करते थे, पर उसके बजाय अब राहुल गांधी के कई सपोर्टर्स इस कमेटी में अभी भी है। और इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उदयपुर डिक्लेरेशन को ढंग से अडॉप्ट भी नहीं किया। ऐसे डिक्लेरेशन में लिखा था वन फैमिली वन टिकट, यानी एक परिवार को बस एक इलेक्शन टिकट मिलेगी, एक्सेप्शन बस उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए 5 साल से ज्यादा के लिए काम किया। पर जब इलेक्शन आते हैं ये डिक्लेरेशन डस्टबिन में फेंक दी जाती है। 2023 के तेलंगाना इलेक्शन के लिए जी विवेक को एक टिकट दी गई और उनके भाई जी विनोद को भी, जबकि वो कुछ महीने पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में आए थे। और अब कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की टिकट भी जी विवेक के बेटे को दे दी है। इसलिए कई कांग्रेस के लीडर्स कंफ्यूज हैं कि वर्किंग कमेटी का कौन सा आइडिया बस आइडिया होता है और कौन सा आइडिया एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा। अब आप में से कई लोग बोलोगे कि इसका दोष राहुल गांधी को क्यों दिया जा रहा है। चैलेंज ये कि बहुत मुश्किल हो गया ये बताना कि राहुल गांधी कब लीडर होते हैं और कब नहीं, और इस कन्फ्यूजन के साथ वो कई साल से जी रहे हैं।
To be or not to be, that is the question. ये एक सीन है शेक्सपियर के एक बहुत फेमस प्ले द हैमलेट से, जहां प्लेन का मेन किरदार प्रिंस हैमलेट को बहुत बुरी खबर मिलती है, जहां प्रिंस हैमलेट के चाचा जी उनके पिताजी को मार देते हैं क्योंकि वो किंगडम पर राज करना चाहते हैं। और अब प्रिंस हैमलेट के सामने एक सवाल आता है कि क्या उनको अपने चाचा जी को मार देना चाहिए अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए, जिसकी वजह से हैमलेट के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, टू बी और नॉट टू बी। इस सवाल को कहा जाता है हैमलेटियन डिलेमा, डिलेमा मतलब दुविधा। और इसी दुविधा से राहुल गांधी कई साल से गुजर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के लीडर बने या फिर नहीं। जब सोनिया गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने 2004 के जनरल इलेक्शंस के बाद एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई, तो ये माना जाता था कि किसी न किसी समय सोनिया गांधी लीडरशिप राहुल गांधी के हाथों में जरूर थमाएंगी। ये हम देख सकते थे 18 मई 2009 में इंडिया टुडे के कवर पेज पर, जिसका टाइटल था द राहुल ऑफेंसिव। ये माना जाता था कि राहुल गांधी 2009 के जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे। पर जब 2009 जनरल इलेक्शंस का मैनिफेस्टो रिलीज किया गया, कई लोग सरप्राइज हो गए। मैनिफेस्टो के कवर पर और हर इलेक्शन पोस्टर पर मनमोहन सिंह का ही चेहरा था। ये क्यों? ऑथर संजय बारू, जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कांग्रेस पार्टी में कई लोग मानते थे कि 2009 के इलेक्शंस वो हारने वाले हैं, और जब कांग्रेस पार्टी 2009 के इलेक्शंस हार जाएगी तो दोष मनमोहन सिंह पर जाएगा, जिसके बाद राहुल गांधी एक चेंज लेकर आ सकते हैं पार्टी और सरकार में। पर ऐसा हुआ नहीं। 2009 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस पार्टी ने फिर एक कोलिशन सरकार बनाई मनमोहन सिंह की लीडरशिप में, जिसके बाद कई और अपॉर्चुनिटीज आई राहुल गांधी को लॉन्च करने की। जैसे इस इंडिया टुडे कवर पर नजर डालो जो पब्लिश हुआ था 23 अगस्त 2010 को, जहां बोला गया कि देश के सर्वे ने दिखाया कि राहुल गांधी देश के सबसे पॉपुलर चॉइस है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए। पर कांग्रेस पार्टी ने कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं करी। दिसंबर 2012 में कई कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने ये जरूर कहा कि राहुल गांधी एक बहुत जरूरी लीडर है हमारी पार्टी में, और कई लोगों ने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने की क्षमता रखते हैं। पर 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी ने कोई भी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया। यही स्ट्रैटेजी उन्होंने 2004 में भी अपनाई थी, जब पार्टी ने अपने कैंपेनिंग में किसी का भी नाम नहीं लिया था प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। पर 2004 और 2014 में एक अलग चीज थी, क्योंकि ऑपोजिशन ने 2014 में अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, नरेंद्र मोदी। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो पार्टी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। हजारों कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए कि वी वांट राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर, पर इन चीजों के बावजूद अनाउंस नहीं किया गया कि राहुल गांधी कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर वो 2014 के इलेक्शन जीतते हैं। पर कई बार राहुल गांधी की फॉर्मल पोजीशन और इनफॉर्मल पोजीशन में एक जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि राहुल गांधी को 2 बार ऑफर मिला कि वो यूपीए सरकार में शामिल हों, पर उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। पर ये कोई अकेला एग्जांपल नहीं है जब लगता है कि राहुल गांधी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। फरवरी 2015 में राहुल गांधी ने कई रैलीज करी कांग्रेस को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के इलेक्शन जिताने के लिए। एक कांग्रेस के सपोर्टर ने तो ये भी कहा कि राहुल गांधी को देखकर उनको इंदिरा गांधी की याद आ जाती है। रिजल्ट क्या आया? कांग्रेस पार्टी ने 0 सीट जीती। हाँ, 0। कुछ ही दिनों बाद फिर कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया कि राहुल गांधी एक पर्सनल लीव ले जा रहे हैं। इसका मतलब था कि वो पार्लियामेंट का बजट सेशन मिस करेंगे। संसद का बजट सत्र चल रहा है और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी विदेश में है। 2 महीने के लिए वो साउथ ईस्ट एशिया छुट्टी मनाने के लिए गए, जहां उन्होंने कंबोडिया में 11 दिन, वियतनाम में 12 दिन, थाईलैंड में 15 दिन और म्यांमार में 21 दिन गुजारे। अब छुट्टी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 महीने की लीव एक बुरा इलेक्शन हारने के बाद पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान एक ऐसे ऑपोजिशन के साथ जो बहुत स्ट्रांग है, तो अब कैसे इलेक्शन जीतोगे? अब ऐसा नहीं कि राहुल गांधी बिल्कुल मेहनत नहीं करते। 2019 के इलेक्शन के दौरान इनफैक्ट उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा रैलीज करी, पर प्रॉब्लम यह कि उनका एफर्ट कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होता, तो वो फॉर्मल लीडरशिप पोजीशन बहुत कम बार लेते हैं। जब उन्होंने ली है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा रहा है, और भला क्यों? शायद क्योंकि उनके पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स बहुत खराब है। राहुल इज येट टू मैच्योर पॉलिटिकली, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने अपनी बेटी को बताया था, जो लिखा गया है इस किताब में, और शायद ये ऑब्जर्वेशन आज भी सच है।
जैसे इसके आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। सीएचईसी लोकनीति सर्वे ने दिखाया कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं हमारी पब्लिक के लिए। 62% लोगों ने कहा कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और 71% लोगों ने कहा कि पिछले 5 सालों से बहुत ज्यादा महंगाई है। और सबसे जरूरी बात है कि रिस्पोंडेंट्स ने दोष सरकार पर डाला, पर क्या कांग्रेस पार्टी इस गुस्से को यूज कर पाई अपने इलेक्शंस के लिए? नहीं, क्योंकि राहुल गांधी समझ नहीं पाए कि किस इशू पर उनको प्रेशर डालना चाहिए। यही गलती हमने 2019 के इलेक्शंस के पहले भी देखी थी, जब राहुल गांधी राफेल स्कैम और चौकीदार चोरे के बारे में बात कर रहे थे, पर लोकसभा इलेक्शन के 5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन डिसमिस कर दी थी जिसने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करी थी राफेल स्कैम पे। पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर डटे रहे, पर इंडिया के वोटर्स इस मुद्दे के बारे में परवाह नहीं करते थे। जैसे इंडिया टुडे के 2018 के सर्वे ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में बस 21% लोग राफेल के बारे में जानते थे और 82% लोग जो इसके बारे में जानते थे वो मोदी सरकार से सहमत थे कि अगर इसके बारे में डिटेल्स बताई गई तो नेशनल सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब कांग्रेस पार्टी के सामने दो सवाल थे। पहला सवाल था कि क्या राफेल स्कैम में एक्चुअली करप्शन हुआ या फिर नहीं, और दूसरा सवाल था कि क्या वोटर्स राफेल स्कैम के बारे में सोच रहे थे या फिर नहीं। पहले सवाल के बारे में कांग्रेस ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका केस छोड़ दिया। और जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि जब 2019 में सीबीआई चीफ आलोक वर्मा इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे तो मोदी सरकार ने उनको सीबीआई ऑफिस से ही हटा दिया था। तो पहले सवाल में ज़्यादा प्रोग्रेस कांग्रेस को दिखी नहीं और दूसरे सवाल का जवाब उनको इलेक्शन के नतीजों से मिल गया कि पब्लिक राफेल स्कैम में इतना विश्वास नहीं कर रही थी। पर यह इन्फॉर्मेशन राहुल गांधी के पास पहुंची नहीं, जिसकी वजह से वो स्कैम के बारे में ही बोलते रहे अपनी कैंपेनिंग के दौरान। जो हवाई जहाज का दाम 526 से 1600 करोड़ रुपए तक बढ़ा है, वो किसका डिसीजन था? क्या वो नरेंद्र मोदी का निर्णय था या फिर वो इंडियन एयरफोर्स का डिसीजन था? बीजेपी लीडर्स ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन नहीं करेंगे और वो कांग्रेस की बात नहीं मानेंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी में से कौन सच साबित हुआ? प्रशांत किशोर की माने तो राहुल गांधी वही गलती कर रहे हैं 2024 में कास्ट सेंसस के बारे में जो उन्होंने 2019 में गलती करी थी राफेल स्कैम के बारे में। बहुत अजीब चीज है कि जिस तरह बीजेपी के लीडर्स मोदी जी की हर बार तारीफ करते रहते हैं, वही चीज कांग्रेस के लीडर्स भी करते हैं। ये चीज हमने देखी जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनका रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दिया था 2019 में, और रिसेंटली जब डीके शिव कुमार जैसे लीडर्स बोलते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लकी चार्म है। इस एटीट्यूड की वजह से इतना सरप्राइजिंग नहीं है कि कांग्रेस के पास इतनी कम रिसोर्सेज हैं कि वो अपने इतिहास में सबसे कम लोकसभा सीट लड़ रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फेमसली कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया, पर क्या यही चीज राहुल गांधी और जो लीडर्स हैं उनके आसपास उनके बारे में बोली जा सकती है जिन्होंने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से ऑपोजिशन को इतना कमजोर बना दिया? हमारा देश एक बेटर ऑपोजिशन पार्टी डिजर्व करती है, और ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडर्स तभी समझेंगे जब वो अमेठी के राजेश जायसवाल जो एक चाय की टपरी चलाते हैं उनकी बात सुनेंगे। नाम नहीं काम बोलता है। अब ये जरूर है कि राहुल गांधी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स में से एक है जो इतने कमिटेड है सेक्युलरिज्म की तरफ। कई पॉलिटिशियंस बहुत बुरी तरह बर्ताव करते हैं और बद्दी स्पीचेस देते हैं जो हमें राहुल गांधी से नहीं देखने को मिला है। निर्भया कांड के विक्टिम के परिवार ने बताया कि कैसे राहुल गांधी ने उनके परिवार की मदद करी पर किसी को बताने के लिए बोला नहीं। पर ऐसा बिहेवियर काफी नहीं है देश का लीडर बनने के लिए। काम और मेहनत करना भी जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप में से कई लोग कमेंट करोगे कि अब हम वोट किसको करें। यही कमेंट आया था जब मैंने बीजेपी का वॉशिंग मशीन का वीडियो बनाया था कि हम वोट किसको करें। पर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है आपको बताना कि आप किसको वोट करोगे। मेरी जिम्मेदारी है आपको इन्फॉर्मेशन देना और प्रिंसिपल शेयर करना जिसके बेसिस पर आप वोट कर सकते हो। अगर आप मुझसे या फिर किसी और क्रिएटर से उम्मीद लगाकर बैठे हो कि वो आपको बता दे कि आपको किसको वोट करना है तो वो गलत है। मुझे नहीं पता कि तमिलनाडु में एक दलित की जिंदगी कैसी होती है। मुझे नहीं पता कि बनारस में एक कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी कैसे होती है। तो मैं आपके लिए कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि आपको वोट किसको करना है? मेरा सजेशन है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप उस कैंडिडेट को वोट दो जो आपके हक के बारे में पार्लियामेंट में बात करे। एक एमपी को चूज करो, प्राइम मिनिस्टर को नहीं। अब ये जरूर है कि स्ट्रेटेजी में एक रिस्क है क्योंकि वॉशिंग मशीन के वीडियो में मैंने बात करी थी कि कैसे पार्टीज में डेमोक्रेसी बहुत कमजोर हो रही है जिसकी वजह से बस थोड़े से लीडर्स ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। पर मेरा मानना है कि अगर हम अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में भेजेंगे तो सिस्टम बदलेगा, चाहे वो कितना धीरे ही बदले। तो जाओ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज करो। ये करीब 40 मिनट का वीडियो था जिसमें बहुत रिसर्च और एडिटिंग एफर्ट लगा। तो अगर आपको वैल्यू मिली और इधर तक आ गए, प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि मेरी ग्रोथ बनी रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में।